नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। खिचड़ी के लिए हम साबूदाना लेंगे, इसको हम एक दो पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। ऐसे मसल लेंगे, इसको हम तीन पानी से अच्छी तरह धो लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। इसमें हम हाफ कप पानी लिए हैं, इसको हम आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। ये देखिए साबूदाना को आधा घंटा हो चुका है, अब इसका पानी हम निकाल देंगे। इसको हम छान देंगे। हम साबूदाना को छान लिए हैं, इसका पूरा पानी हम निकाल देंगे। कढ़ाई को गर्म हो जाने देंगे। कढ़ाई में हम डाल दिए हैं घी, हम इसमें तीन चम्मच लिए हैं, इसको गर्म हो जाने देंगे। ये देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हाफ चम्मच हम डाल देंगे जीरा। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। अब इसमें हम डाल देंगे मीठी नीम। हम मीठी नीम को छोटी छोटी पीसों में काट लिए हैं। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मूंगफली। मूंगफली को हम दो तीन मिनट भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आलू, एक आलू लिए हैं। हम आलू को पूरी तरह पका लेंगे। हम इसमें मूंगफली एक साथ डाल दिए हैं। आप चाहें तो पहले फ्राई कर लें मूंगफली को, निकाल लें, फिर उसके बाद आप डालें लास्ट में। अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे काजू। ये देखिए हमारा आलू पक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे साबूदाना। मिक्स करेंगे। हम साबूदाना को आधे घंटे के लिए फुला दिए थे, बहुत अच्छी तरह फूल गया है। 10 मिनट पहले हम इसको छान लिए थे। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। मिक्स करेंगे। हम इसमें दो टमाटर लिए हैं, इसको बारीक काट लिए थे। साबूदाना डालने के बाद दो तीन मिनट इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। हम इसमें सेंधा नमक यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा पीसी मिर्च लेंगे।
मिक्स करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पत्ती। ये देखिए हमारा साबूदाना पक गया है, टमाटर भी गल गया है, आलू भी पक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती। अब हम गैस बंद कर देंगे।